हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये झटपट और आसानी से बन जाने वाली ब्रेड रोल की रेसिपी। साथ में रबड़ी भी है, ये खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी हिम्मत को बढ़ाइए। शुरू करते हैं। 500 मिलीलीटर दूध लेंगे, दूध फुल फैट है। उसमें ऐड करेंगे 10 से 12 छोटी इलायची क्रश की हुई और आधा कप कंडेंस मिल्क का। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकती हैं। फिर डालेंगे 3 पीस ब्रेड के। फिर इसमें एक चुटकी ज़ाफ़रान मिलाएंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इसमें चॉप किए हुए काजू, बादाम और पिस्ते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनमर्जी से डाल सकती हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मीडियम हीट पर हिलाते रहेंगे। इसको हमें 5 मिनट तक पकाना है, तब तक जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इस तरीके से गाढ़ा होने के बाद इसको आंच से उतार लेंगे और फिर इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी रबड़ी तैयार है। तो फिर देखा ना कितनी आसानी से रबड़ी बन गई। अब हम बनाते हैं मावा। उसके लिए लेंगे 200 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम। मैंने अमूल की क्रीम ली है, आप चाहे तो घर की मलाई भी ले सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 100 ग्राम सूखा हुआ दूध, और अगर आपके दूध में शक्कर ना हो तो उसमें 1 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर दीजिए। अब हम इसको मीडियम हीट पर चलाएंगे। साइड के किनारों को खुरच लीजिएगा, उसको जलने मत दीजिएगा। हमको इसको मावा की कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि मावा एकदम सूखा होता है और ये हमें ब्रेड के ऊपर चिपकाना है, तो रोल्स बहुत आसानी से बनेंगे। इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दीजिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, मावा की तरह थोड़ा ड्राई नहीं होना चाहिए। अब हम लेते हैं 4 बड़े ब्रेड। आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि ब्रेड बिल्कुल ताज़ी हो, वरना रोल बनाने के टाइम पे ये टूटेंगी और चाकू आपकी ब्रेड वाली हो। साइड के किनारों को काट लीजिए और इन किनारों से मैं बाद में बनाऊंगी एक बहुत ही उम्दा और अच्छी डिज़र्ट की। उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो का वेट करना पड़ेगा। आखिरकार एक इंसान कब तक और कितना ज़्यादा ब्रेड क्रम बनाएगा। तो फिर इससे मैंने बहुत ही अच्छी एक डिज़र्ट बनाई है, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये ब्रेड हमारे तैयार हैं। इसको हम बेल लेंगे। इसमें हल्का प्रेशर लगाइएगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो चपटी हो जाएगी। इस तरीके से बेल करके देखिए इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। फिर हम 1 टेबलस्पून अपना मावा मिक्सचर लेंगे और उसको बहुत ही आहिस्ता से और प्यार से इस तरीके से ब्रेड पर लगा लीजिए। बिल्कुल भी इसको खींचिएगा मत और बस ऐसे रोल कर लीजिए इसको। ये देखिए ब्रेड ताज़ी है, तो बहुत ही आसानी से रोल हो रही है। हल्के हाथों से इसको दबा दीजिए थोड़ा सा, और हमारी झटपट ब्रेड रोल तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप किसी भी ओकेशन के लिए बना सकते हैं, लेकिन ये रमज़ान के इफ्तार के लिए तो बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। देखिए हमारे रोल्स बिल्कुल टिकाऊ और मज़बूत बने हैं, ये बिल्कुल भी खुलने वाले नहीं हैं और चम्मच से आप आसानी से खा सकते हैं। अब इसके ऊपर में रबड़ी डालेंगे। रबड़ी को डालने से पहले अगर रबड़ी आपकी थोड़ी गाढ़ी हो गई हो तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको पतली कर लीजिए, क्योंकि रोल्स को हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से रबड़ी में सोक हो जाए। जब भी आपको किसी डिज़र्ट की ज़रूरत हो जो झटपट बन जाए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब थोड़े से पिस्ता डालिए, ऊपर से सजा दीजिए, और जो बची हुई रबड़ी थी ना उसको आप फ्रिज में बिल्कुल ठंडा करके सर्व करिए एज अ रबड़ी। थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी हिम्मत को बढ़ाइएगा। दोबारा मुलाकात होगी एक शानदार रेसिपी के साथ।